पढ़िए उसमें ज़्यादा समझ में आती है, लेकिन हर हर हरेक बुक को हर एक बार पढ़िए उसमें नहीं होता है। लेकिन मेरा लालसा थोड़ा सा था कि मतलब हम नया नया बुक लाते थे और वही पढ़ते थे, लेकिन पुराना भी पढ़ते थे, सब अपना तैयारी अलग अलग थी सी करते थे। लेकिन तैयारी में आप कभी मन लगा के तैयारी करते थे? हाँ, हम तो मतलब मेरा तो वहाँ पे था कि हम जब समस्तीपुर में आया मतलब तैयारी करते थे तो एक्चुअली घर तो नहीं जाते थे, घर नहीं जाते थे, वहाँ पे रहते थे तो अपना रूम में स्टडी करते थे। और जो ट्यूशन होता था, जो ट्यूशन होती थी, ट्यूशन मैथ का क्लास करने के लिए भी जाते थे। और हम लोग शाम को क्लब बहुत नेसेसरी जाते थे। हम जिस दिन क्लब नहीं जाते थे उस दिन हमको शाम का खाना नहीं पचता था कि आज हम पढ़ाई नहीं किए। दिन भर पढ़ाई करने के बाद भी अगर हम शाम को क्लब नहीं जाते थे हमको ऐसा लगता था कि हम आज कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं। क्लब से हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, क्लब से हम लोग ग्रुप डिस्कशन करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़े थे। इस तरह से मेरा जर्नी रहा। क्लब का कॉन्सेप्ट एक हमको थोड़ा सा यहाँ पे नया दिख रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स आपको इधर देख रहे हों जो उनसे पॉसिबल हो तो वो भी इसे इम्प्लीमेंट करें। एक्चुअली क्लब जो है, क्लब जैसे हम लोग वहाँ पे रहते थे समस्तीपुर में, तो अलग अलग मतलब विलेज से, अलग अलग शहर मतलब गांव से लोग आते थे। तो सब जैसे हम लोग ब्राइट सेंटर चलाते थे, ब्राइट सेंटर क्लब में हम लोग शुरुआत में लगभग 40-45-50-60 स्टूडेंट हुआ करते थे क्लब में। तो हम लोग एक रूम बड़ा सा लिए हुए थे तो वहीं पे सब लोग जो है बैठ के, सब स्टूडेंट बैठ के अपना अपना क्वेश्चन लिख के ले जाते थे। हम दिन भर जो पढ़ते थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती थी हम उसको अपना कॉपी पे लिख लेते थे। कॉपी पे लिखने के बाद सब क्वेश्चन जो है डेली जो है सब स्टूडेंट को कहा जाता था कि क्वेश्चन लिखिए। 10-20 क्वेश्चन जो है डेली लेकर जाते थे और हम लोग खड़े होकर एक वो क्वेश्चन बोलते थे और सामने वाले जो स्टूडेंट से जो जानते थे उनका जवाब देते थे, नहीं तो हम खुद जवाब देते थे उनका। इस तरह से हम लोगों का तैयारी होता था। और लास्ट में इस तरह से पूछते हम लोगों का लगभग 1.5 घंटा या मतलब 10-10 क्वेश्चन ही पूछते थे। 40-50 स्टूडेंट थे तो 1.5-2 घंटा टाइम मतलब 1-1.5 घंटा इस तरह से ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद हम लोग बुक उठा के करंट अफेयर्स जो सब्जेक्ट होता था उसका जहाँ से होमवर्क दिया जाता था वहाँ से पूछा जाता था। हम लोग जो हेड थे वो पूछते थे, हम लोग उसका जवाब देते थे इस तरह से। और लास्ट में होता था कि हम लोग का टेस्ट होता था, जो मतलब टाइपिंग हम लोग मतलब फ़ोटो कॉपी करा के उसको क्वेश्चन बना के दिन भर क्वेश्चन स्टूडेंट बनाते थे और फ़ोटो कॉपी करा के शाम को रखते थे। और लास्ट में आधा घंटा के टाइम या 10-15 मिनट का टाइम मिलता था, 20-30 क्वेश्चन होते थे उसमें से 10 मिनट में सब बना देते थे। जो स्टूडेंट जितना बनने वाला था 10-15 मिनट में मतलब टेस्ट देकर और एक दूसरे से कॉपी बदल के और बोल के। आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट्स रेलवे एग्जाम का सीरियस होकर के और डेडिकेटेड होकर के तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड, तो अभी आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है फ्रेंड। क्योंकि अभी आप लोगों का ग्रुप डी का भी एग्जाम बचा हुआ है, आप लोग का NTPC का CBD 2 भी बचा हुआ फ्रेंड। और कहते नहीं है, किसी भी काम को स्टार्ट करना को काम करना नहीं कहते हैं, काम को करते रहना को काम करना नहीं कहते हैं, काम को खत्म करना को काम करना कहते हैं फ्रेंड। तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी रिक्रूटमेंट बिल्कुल भी मायने नहीं रखता फ्रेंड। और सिलेक्शन में आपको पता है कि आपका जो भी डेडिकेटेड फॉर्म्स होते हैं वो आपका कितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो अभी आप लोग के लिए एक ऑफर चल रहा है फ्रेंड, यदि आप लोग रेलवे कैटेगरी का 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसका प्राइस है मात्र 3,600 रुपया, उसमें भी आप हमारा जो कूपन कोड इस्तेमाल कर लेते हैं उमंग स्टडी, तो आपको 360 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको पे करना पड़ेगा मात्र 3240 रुपये। यानी पर मंथ के हिसाब से हम लोग देखें फ्रेंड तो आपको एक महीने का पे करना पड़ेगा मात्र 135 रुपये, यानी कि पर डे में 4.5 रुपया, यानी कि 5 रुपये से भी कम का इन्वेस्ट करके आप एक क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं। और केवल ऐसा नहीं कि प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आप स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड, यदि आप लोग अनअकैडमी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस लिंक पर क्लिक करके अनअकैडमी को फ्री में एक्सपीरियंस करिए। फ्री में एक्सपीरियंस करने के बाद यदि आपको लगता है कि हमको प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइए। क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट्स NTPC का CBT 1 दिए हैं, हम लोगों ने CBT 1 का फेज 1 से लेकर के फेज 7 तक का सीधा एग्जाम सेंटर के बाहर से लाइव कवरेज किया था, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको अनअकैडमी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। आपके सामने एक स्टूडेंट ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने खुद ऐसा कहा था कि मैंने पूरा पेपर मात्र 50 मिनट में कंप्लीट कर लिया, बाकी के 40 मिनट हाथ में क्वेश्चंस लिख रही थी और अब चली CBT 2 की तैयारी करने। ओके फ्रेंड्स, तो अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करके ऐसे स्टूडेंट्स इतना अच्छा इनका पेपर जा सकता है तो आपका भी पेपर अच्छा हो सकता है फ्रेंड। तो आप लोग परचेज करने वाले हैं तो बिना कोई देरी किए हुए परचेज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।